वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी ठाकुर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपके स्किन को फेयर ग्लोइंग बनाएगा। अनइवन स्किन टोन के साथ साथ आपके स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स के साथ साथ और भी ना जाने क्या क्या स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको सॉल्व करेगा। एक ही रेमेडी में हम इसको सॉल्व करेंगे। इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। सो लेट्स चेक आउट दिस वीडियो। बट मूव ऑन करने से पहले, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और थोड़ा सा भी मेरा ये रेमेडी अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ उसका मेन इंग्रेडिएंट जो होगा वो होगा टोमेटो। आई नो टोमेटो यूज़ फॉर ईटिंग, बट ये आपके स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इससे आपके स्किन पे जितना डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, साथ में आपके फेस पे जो रिंकल्स आने लगते हैं उसको बहुत ही जल्दी रिमूव करता है। तो हम टोमेटो को ले लेंगे और इस तरीके से कट लगा लेंगे जो स्क्रब करने के लिए आसान होगा। तो ये जो रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ ये एक ही रेमेडी में हमारा दो काम करेगा, स्क्रब एंड मास्क दोनों का काम करेगा। तो स्क्रब करने के लिए हम टोमेटो पे ऐड करेंगे शुगर इस तरीके से, और ये जो शुगर है ये एक्सफोलिएशन का काम करेगा। तो मैं एक चम्मच के जितना ऐड कर ली हूँ। अब मैं इसे अपने स्किन पे स्क्रब करूँगी, और याद रहे ये स्टेप करने से पहले आपका स्किन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो मैं पहले ही अपने स्किन को साफ़ कर ली हूँ। अब मैं इससे अपने स्किन पे हल्का हल्का मसाज करके स्क्रब करूँगी, जस्ट लाइक दिस। टोमेटो और शुगर का जो मिक्सर है ये हमारे स्किन पे दो तरीके से काम करेगा, एक मास्क और एक स्क्रब का। तो मेरे स्किन की पूरी तरह से अच्छे से क्लींजिंग हो गई है, और ये मास्क के पहले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लींजिंग करना। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं तो आप पूरे 10 मिनट तक करें एंड नॉर्मल हाथों से करें, जेंटली मसाज करें। उसके बाद आप अपने इस मास्क को, जो आपके फेस पे अच्छे से मास्क लग गया है, इसको पूरे 20 से 25 मिनट तक फेस पे रखिए, जिससे इसका जो भी वाइटिंग प्रॉपर्टीज़ है, जो भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी स्किन में अच्छे से आ जाए। एंड आप लोग सोचोगे कि 20 से 25 मिनट हमारे पास टाइम नहीं है तो हम कैसे रखेंगे। तो गाइस, लगाने के बाद आप मोबाइल यूज़ करो, तो मोबाइल यूज़ करते टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा कि 20 मिनट कब हो गए हैं। तो मैं अब इसको रखूँगी 20 से 25 मिनट एंड उसके बाद मैं इसको नॉर्मल वाटर से वॉश करूँगी। मुझे इसको स्किन पे रखे हुए 5 मिनट हो गया है और ये अच्छे से अभी नहीं सूखा है, तो मैं इसको अभी कम से कम 15 मिनट और रखूँगी। तो 5 मिनट में मैं अपना तैयार कर ली हूँ ग्रीन टी, और मैं अभी 5 से 10 मिनट में अपना ग्रीन टी ख़त्म करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होता है तो थोड़ा थोड़ा पीना होता है, तो मेरा टाइम भी कब खत्म होगा पता नहीं चलेगा। तो अभी जो आपका नॉर्मल काम हो या फिर कुछ खाना हो, कुछ पीना हो, वो आप लगा के कर सकते हो, कोई काम हो तो वो कर सकते हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ मास्क वगैरह अपने फेस पे लगा के रखे हो। तो मैं यहाँ पे अपना ग्रीन टी खत्म कर ले रही हूँ। पूरे 20 मिनट तक इसे अपने स्किन पे रखा था और मैं इसे वॉश कर ली हूँ। अब मैं इसे वाइप्स करूँगी, और करने के बाद आपको अलग सा चमक, अलग सा निखार आपको इंस्टेंट नज़र आएगा। तो गाइस, मैं इसे पोंछ लेती हूँ। इसके बाद मैं अपने स्किन पे यूज़ कर रही हूँ रोज़ ग्लो टोनर। अभी गर्मी है तो बहुत ज़रूरी है टोनर हमारे स्किन के लिए। तो
गाइस मैं इसे इंस्टेंट रेमेडी कहूँगी ही कहूँगी, बट अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो गए हैं, तो आप इसे वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं आराम से। एंड ये बहुत ज़्यादा आसान है, 1 मिनट में बन जाने वाला है। अगर आपका स्किन मेरे जैसा है, बहुत ज़्यादा नहीं है स्किन पे डार्क स्पॉट्स या फिर ब्लैक हेड्स, तो आप वीक में 1 बार आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके पहले जब हमने यूज़ किया था स्क्रब, तब हमारे स्किन पे जितने भी डार्क स्पॉट एंड ब्लैक हेड्स थे वो आसानी से रिमूव हो गए हैं, आप देख सकते हैं। चुटकियों में बन जाने वाला रेमेडी है, ज़्यादा झंझट भी नहीं है, ज़्यादा परेशानी भी नहीं है और ज़्यादा सामान भी नहीं है जो खोजने में परेशानी हो, लगाने में परेशानी हो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा ज़रूर। और हाँ गाइस, अगर हमारे किचन में ऐसे इन्ग्रीडियंट्स अवेलेबल हैं जो हमारे स्किन के कोई भी प्रॉब्लम के लिए बेनिफिशियल है, तो क्यों ना हम यूज़ करें, है ना। अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।